तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज भाई आ चुका है मतलब न्यू सीजन, तो तुम मुझे बताना भाई तुम किस किस उसमें रैंक पुश करने का मतलब सोच रहे हो। और एक खबर मैंने सुनी है कि भाई इस बार जो केडी है मतलब भाई वो किल्स से ही बढ़ेगा, मतलब जो पहले केडी बढ़ता था भाई वो चिकन डिनर पर बढ़ता था, मगर मतलब अगर तुम चिकन डिनर 4-5 किल पर भी ले रहे हो ना तो तुम्हारा केडी भाई प्लस होता ही था। बट इस बार बहुत सारे बंदे भाई कह रहे हैं कि इस बार मतलब चिकन डिनर पे केडी नहीं बढ़ेगा भाई, जो कि मतलब बढ़िया चीज़ है क्योंकि भाई हम तो अंधा खेल रहे हैं और हमें किल्स पे हमारा केडी बढ़ेगा तो भाई हमें बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे पोचिंग की मैं कम से कम ना भाई 30 या 35 बंदे उतरे हुए थे, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे आ गए यहाँ पे। और तुम्हारे भाई ने यहाँ पे टोटल मतलब 14 बंदे तो भाई मैंने ही मारे थे यहाँ पे। अब ये जिस बंदे को मैंने मारा भाई, इसे मैंने लॉबी में कहा था कि मका भाई अपना ये दे दे पावर रेंजर वाला सूट, वरना तुझे बहुत गंदा मारूंगा मैं पबजी में मतलब मैच में। तो इसने नहीं दिया भाई, इनने सोचा कि आटू झाटू आदमी क्या ही दूं इसे, और भाई मैंने इसे मार के ले ही लिया है फाइनली इसका ये वाला सूट। अब यहाँ पे 3-स्टोरी में अला बंदा होता है जिसे कि मैं मार देता हूँ, बट भाई एक बंदा पता नहीं कहाँ से आता है और बहुत गंदी थर्ड पार्टी करता है मुझे। अब इस बंदे ने मुझे जैसे ही नॉक करा भाई मुझे लगा कि मतलब मैं मर सकता हूँ, बट यहाँ पे भाई सावन सुमन भाई मुझे बचा लेता है एकदम से। कुछ भी कहो भाई, 2 लाख कहो, 20 लाख कहो भाई, मतलब इन बंदों में भाई कुछ तो बात है। तो अभी यहाँ पे इनने मुझे भाई बचा लिया था, और अब तुम्हारा भाई यहाँ पे लूटता है बिल्कुल मतलब मजे से, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। जब मैं लूट लेता हूँ भाई तब मैं जाता हूँ और बंदों पे पुश करने, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने बंदे हैं ना और इतने किल्स मिलने वाले हैं, मतलब भाई केडी सही सही सी मेंटेन हो जाएगी और बोट बाट जितने कुछ भी आगा भाई सब पेल देंगे। और सीजन स्टार्टिंग है तो भाई बोट बूट तो आएंगे ही। अब यहाँ पे बोट के पास भाई बहुत सारे मतलब बढ़िया बढ़िया कपड़े हों, बट जो सबसे अजीब और सबसे बुरे से कपड़े लगे ना भाई मुझे ये लगे पापा की परी वाले। यो देख रहे हो बोट कैसे कपड़े पहन के आया, यहाँ पे मैंने लगातार 3-4 बोट पेल दिए थे, और भाई मतलब बोट मार के ना एकदम फीलिंग्स ही नहीं आती, तुम्हें लगा कि भाई तुमने कुछ नहीं करा। वैसे केडी बढ़ता रहे उस बात की तो खुशी रहे हमेशा, बट जो भाई बंदे मार के खुशी मिले ना भाई वो मतलब कहीं नहीं मिलती। अब यहाँ पे इधर की तरफ बंदे थे तो भाई इधर की तरफ ही मैं जाने लगता हूँ, क्योंकि भाई जहाँ बंदे वहाँ तुम्हारा भाई। अब यहाँ पे ये बेटी चोद बंदा भाई अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रो समझ रहा था, मतलब भाई नेड़ नूड़ फेंक रहा था, बट इतने इसे मैं इसे पता नहीं कि भाई पुश करने का जो तरीका है ना हमारा वो बिल्कुल अंधो वाला, हमें पुश करते हुए कुछ नहीं दिखता, बस सामने बंदा और भाई हमें तो मारना है उसे, चाहे वो हमें मार दे टीपीपी पूपीपी लेके हम कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना केडी के लिए खेलते हम ना चिकन डिनर के लिए, बस हमें चाहिए भाई किल्स। और एक रूल जो है भाई मैंने बना लिया अब से, जिस भी बंदे को भाई मैं मारूंगा ना उसे पूरा फिनिश करूंगा, क्योंकि भाई बंदे मेरे साथ यही सीन करते हैं भाई साहब, चूतिया से चूतिया बंदा होगा ना अगर मुझे कभी नॉक कर देगा तो यार पूरा का पूरा खा जाएगा, मुझे नहीं पता उसे क्या सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे फिनिश करके। और अगर वो थोड़ी सी देर अगर भाई रुक भी गए ना तो उसके टीममेट आके मार के चले जाएंगे।
अब यहाँ पे फटाफट भाई मैंने 10 किल तो कर दिए थे क्योंकि बंदे जो है बहुत सारे उतरे हुए थे यहाँ पे। अब हमारे सामने दो बंदे थे जिन्होंने कि भाई मतलब हमारी फाड़ के चार कर दी। अब मैं फिलहाल इस गटर से मैं आ जाता हूँ, वो नाला पतनाला कुछ भी कह लो इसे, बट ये ढंग की सही जगह लग रही थी मुझे क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से कवर थी। और ये सावन जो है भाई पेड़ के पीछे ही खड़ा रहा, इनने पीक पूक दी उस बंदे को, उस बंदे ने इसे भर दिया। बहन तो उन्हें कहाँ से मार दिया, दिक्कत है नहीं कोई, मैं हूँ क्या तेरे को, और शॉप ब्रोकन वॉल पे भाई वहाँ से नो कर दिया बहुत हार्ड। उस बंदे ने सावन को भरा भाई, मैंने उसका बंदा नोक कर दिया। मैंने सावन को कहा कि तू भी इधर ही आ जा क्योंकि यहाँ पे जो है कवर है, अगर और कहीं भाई मैं रिवाइव भी दूंगा ना तो सामने वाले बंदे शायद ही मुझे बख्शे। हैं अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा पीछे करके देखना, जब मैं से रिवाइव दे रहा था भाई मेरा सिर पता नहीं कौन सी दीवार में जाके फंस गया, बिल्कुल मूवमेंट मतलब स्टक हो गई थी एकदम भाई, मैं इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था, तो मुझे भाई रिवाइव रिव्यू छोड़ना पड़ा और मारना पड़ा उस बंदे को। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे पूरा का पूरा कोचिंग की क्लियर कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के। मैंने और सावन ने ये मैच जो है भाई 24 मिनट्स में मतलब पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। अब फिलहाल अगर तुम्हें भाई गाड़ी चोर देखना है ना, मतलब भाई अमीर आदमी देखा नहीं भाई गाड़ी ठाके साफ, अभी देखना तुम यहाँ पे सामने वेयर हाउस है ना जो, उसमें होते हैं भाई दो बंदे जो कि आपस में लड़ लुड़ के मर जाते हैं। एक बंदा बचता है जो कि भाई डर के भाग रहा था और हमारी गाड़ी चुराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस बंदे को ये नहीं पता था कि भाई ये गाड़ी गुड़ी मतलब किसकी चुरा रहा। भाई हम तुम्हारे से बड़े वाले चोर हैं, मतलब हम भाई कच्चे चुरा ले, तुम्हें पता होगा लेजिट के 4 कच्चे गायब कर दिए मैंने। अब यहाँ पे हम बंदे ढूंढ ही रहे थे और भाई अपार्टमेंट में ये बंदा फायर कर देता है और भाई इसकी तो मौत ही आ चुकी थी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। और ये बंदा भी भाई पता नहीं क्या ही समझ रहा था अपने आप को, यो भी क्लोज रेंज में नेड करने की ट्राई कर रहा। भैया मान लो तुम यार सिर उड़ के चींचा हो। पर ये क्लोज रेंज में नेड और AWM के 360 शॉट, भाई पबजी PC वाले ही मार सकते हैं, ये पबजी मोबाइल वालों के बस की बात नहीं है। सिराउड है और तुम हो भाई। कभी तुमने गेम में हैकर देखे हैं, मैं गाड़ी ठा के भटक रहे हूँ हर एक जगह और जहाँ बंदे हों वहाँ घुस रहे हूँ। अब हमें इतनी जल्दी जल्दी बंदे मिल रहे थे, अभी हम इस स्क्वाड हाउस की साइड से गए थे, यहाँ पे कुछ बंदे आए जिन्होंने भाई डांसिया खड़ी कर रखी थी और ऊपर छत पे पड़े थे बिल्कुल लेटे हुए बिल्कुल मजे से। एक बारी को तो मेरा भाई साहब थोड़ा सा मन भी कर गया, मैं कहा इन बेटी चोदों के लिए मैं कुछ मंगा दूँ कि भाई कुछ सेवा पानी हो तो बताओ, क्योंकि तुम पड़े तो हो ही यहाँ पे, पत्तल पुत्तल मैं लगवा दूँगा और ज़्यादा कहोगे चाय पानी सब भिजवा दूँगा भाई मैं। मतलब इस तरीके से कैंप कर रहे हैं आजकल बंदे रैंक पुशिंग के लिए, क्योंकि भाई सीज़न तो हो चुका है स्टार्ट और रैंक पुश भाई बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से चलने वाली है। अब एक और बंदा सामने होता है भाई, पूरी तिकड़मबाजी लगा रहा था, मतलब उसके पास थी AWM। तो मान ले भाई तुम्हारे पास AWM है, तुम थोड़े ज़्यादा अमीर से आदमी हो, पावरफुल से समझते हैं बंदे अपने आप को, जब उनके पास AWM आ जाती है भले ही उन पर भाई एक शॉट ना कनेक्ट हो। और ये बात भाई मैं स्नाइपिंग सीखने के बाद बोल रहा हूँ, पहले भाई मेरी भी कुछ ऐसी हालात थे, मतलब भाई एक शॉट नहीं कनेक्ट होता और मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं था, तो मैंने कहा भाई थोड़ा स्नाइपिंग में भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ तुम असोल्ट राइफल ठा के बस बंदों को पेल ले जा रहे हो तो भाई उसमें कुछ मज़ा नहीं है और ज़िंदगी में भाई थोड़ी सी किक भी नहीं मिल रही थी।
एक बार उस बंदे ने भाई मेरी गांड फाड़ दी थी, क्योंकि मतलब ये बंदा इतना गंदा टीपी पे ले रहा था ना, मैं बिल्कुल सीधा सामने से आया इसके और ये एकदम कवर से बाहर निकला और इनने मारा। मैंने गेट खोला साइड वाला और मैं भाई इसकी छत पर घर की। अब पोचिंग की वगैरह क्लियर करने के बाद भाई हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं ना वो टीपीपी इतना गंदा लें भाई तुम्हें पता नहीं लगेगा। अब तुम्हें एक और बारी दिख जाएगा। अभी यहाँ से हम गाड़ी निकाल के लेके जा रहे थे बिल्कुल सीधा, कोई नहीं था भाई यहाँ पे, हम जा रहे थे गटका की तरफ। बट इतने में एक और बंदा फायर कर देता है। भाई तुम एक एक बारी में सारे ही फायर कर लो, एक एक करके क्यों फायर करो। अब यहाँ पे देखना भाई तुम पबजी के सस्ते नशे, जहाँ पे बंदा था भाई मैंने उधर की तरफ ही नेड फेंका था और मतलब भाई बंदा मरा नहीं। और भाई कसम से कहूँ ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसा जब होगा तुम्हारे साथ। अब मेरे ख्याल से भाई ये जो अलमारी सी रखी ना यहाँ पे भाई, इसकी वजह से बच गया वो बंदा। तुम्हें एक चीज साफ ही पता लग रही होगी भाई, बंदों के अंदर दोबारा से वही हरकतें आ गई एसूस पुश करने की। अब यहाँ पे एक सीन देखना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक बंदा था फैजल, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, और उसकी गर्लफ्रेंड नैना। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया भाई मैं रात को खेलूँ और रात को मुझे लोंडे लोंडिये मिले डुओ में, और किसी दिन भाई इनके माँ बाप के आगे जाऊँगा मैं इनकी आइडिया लेके, मगर ये देखो तुम्हारे लोंडे लोंडिये क्या कर रहे, मतलब भाई बिल्कुल गंद मचा रखा है एक तरीके से। और अगर इनसे पूछ लो ना भाई तुम माइक मुइक ऑन करके भाई तुम यहाँ क्या कर रहे, तो कहेंगे भाई हम लवर्स हैं। भैया हम तो चूतिया है ना। अब यहाँ पे यो नैना नूना जो थी भाई, यो हमें जानने थी शायद से, क्योंकि जब हम इसे मार रहे थे ना तो यो कर रही थी आगे 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 यही है यही है यही है, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, इन्होंने मीटअप मूटअप नहीं करा था हमारे से, बस ये भी लड़ रहे थे हम भी लड़ लिए। भले ही भाई फैन हो, अगर कूदते तो भाई हम नहीं मारते, ऑब्वियसली सी बात है यार। और गुटका की तरफ भाई हमें बंदे दिखते हैं, यो गुटका नहीं है, सबसे पहले से गुटका कहना शुरू करो तुम भी। अब यहाँ पे एक बंदे के पास था भाई जनरेटर, मतलब वो जो है ना वो M249, उसे M249 और गन की कैटेगरी से सबसे पहले तो हटाओ, उसे गिरो भाई जनरेटर की कैटेगरी में और उसे शादी ब्याह में लगवाओ। मतलब भाई इतना तो बुरा चला, कान में कर दे बिल्कुल दर्द। अगर तुम्हारे पास ढंग की से हेडफोन होगी ना तो तुम्हें उसकी आवाज़ इतनी तेज आगी भाई तुम्हारे कान मतलब फट जाएंगे एक बारी। वो भाई जनरेटर भाई 100 MO गिरा है उसमें, और गन गुन है क्या भाई, कौन सी गन में 100 MO गिरा है। अब यहाँ पे हमने पूरी लोबी की भाई ऐसी तैसी फेर दी थी एक मिनट में, और 24 किल हो चुके थे तुम्हारे भाई के। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट बंदा ही बच रहा था और भाई ये गन गुन पीछे करके भाग रहा था बेचारा। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, मगर भाई क्या दिक्कत परेशानी तुझे। तो यो मुझे कह के भाई लेजेंड भाई मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया और तुम भाई कुछ जुगाड़ जुगुड़ बिठवा दो। मगर भाई इन चक्रों में हम नहीं पड़ते, देख अब तुझे ब्लॉक कर दिया तो भाई वो तुमने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। अब ये मुझे कहता है कि भाई चिकन डिनर तुम ले लो और नेड नूड फोड़ दो, तो भाई तुम्हारा भाई भी फोड़ देता है, क्योंकि सीजन स्टार्टिंग है भाई, सीजन अभी स्टार्ट हुआ है, केडी कूडी मेंटेन करना है थोड़ा सा। तो होप सो तुम्हें यार आज के लिए गेमप्ले वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर तुम भाई नए हो इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करके तो जाना ही, और नीचे तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ वहाँ पर जाके फॉलो करो। और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ किसी एक और नए गेमप्ले के साथ, तब तक ले बाय। Ningún.